दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप घर से भागकर शादी करने की सोच रहे हैं तो फिर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि कल को आप किसी भी बड़े मुसीबत में ना फंसे। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कई केसेज में फैसला सुनाते हुए कहा है कि हर लड़के और लड़की का यह मौलिक अधिकार है कि वह अपने पसंद के व्यक्ति के साथ शादी करे। उन्हें अपना जीवन साथी चुनने का पूरा हक है, यह उनका मौलिक अधिकार है। लेकिन हमारे समाज में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके मौलिक अधिकार का हनन कर रहे हैं। हमारे सहूलियत के लिए समय के अनुसार कानून में बदलाव हो रहा है, लेकिन लगता है कि हमारे समाज की सोच बदलने में अभी भी समय लगेगा। यही कारण है कि अगर लड़का और लड़की दोनों बालिग हैं और अगर वे शादी अपने पसंद से करना भी चाहते हैं फिर भी उन्हें ऐसा करने नहीं दिया जाता है। कई बार उन्हें धमकाया जाता है, यहाँ तक कि उन्हें जान से मारने की धमकी या फिर झूठे केस में फंसाने की धमकी दी जाती है ताकि वे पसंद से शादी नहीं कर सके। दोस्तों अब यहाँ सवाल उठता है कि अगर आप शादी करने की सोच रहे हैं, अगर आपके घर वाले ही आपके शादी के खिलाफ हैं और आप चाहते हैं कि आप घर छोड़कर शादी कर ले, तो फिर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि कल को आप किसी भी मुसीबत में नहीं फंसे और आप आसानी से शादी कर पाएँ। देखिए, सबसे पहली बात कि अगर आप चाहते हैं कि आप कानूनन रूप से शादी करें तो पहले लड़के का उम्र 21 वर्ष होना चाहिए और लड़की का उम्र 18 वर्ष होना चाहिए। और आप घर जैसे ही छोड़ें, आप घर छोड़ते ही कोर्ट में शादी कर लें, आप इधर उधर ना घूमें। नहीं तो ज़्यादातर केसेज में यही देखा जाता है कि जब लड़का और लड़की घर छोड़ देते हैं तो फिर लड़के के ऊपर लड़की को भगाने या फिर अपहरण करने का केस दर्ज करा दिया जाता है और लड़के के माँ बाप को भी परेशान किया जाता है। तो आप घर छोड़ते ही कोर्ट में जाकर शादी कर लें। और एक यहाँ बात सवाल उठता है कि आप क्या करें कि आपको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। दोस्तों आप घर छोड़ने से पहले आप कुछ कुछ डॉक्यूमेंट को अपने साथ रख लें। अब सवाल उठता है कि आप किन किन डॉक्यूमेंट को रखेंगे। लड़का और लड़की दोनों अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आधार कार्ड और अपने क्लास टेंथ का मार्कशीट रख लें। क्लास टेंथ के मार्कशीट से उनके एज को प्रूफ किया जाएगा, यह साबित हो जाएगा कि उनका एज क्या है। अगर वे बालिग होंगे तो भी यह बात क्लास टेंथ के मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ होता है उससे साबित हो जाएगा। आधार कार्ड कभी भी उनका डेट ऑफ बर्थ साबित नहीं करेगा, उसे कानून में नहीं माना जाता है। जो क्लास टेंथ का मार्कशीट होता है उसी के अनुसार डेट ऑफ बर्थ माना जाता है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि लड़का और लड़की पढ़े लिखे नहीं हैं, वो अंडर टेंथ ही हैं, उन्होंने टेंथ नहीं किया है, तो फिर वो कैसे अपने एज को प्रूफ करेंगे? तो फिर यहाँ पर उनको अपना जन्म प्रमाण पत्र देना होगा। तो जैसे ही आप घर छोड़े आप इन सभी डॉक्यूमेंट को अपने साथ रख लें। फिर आप घर छोड़ते ही सीधे कोर्ट में जाकर मैरिज रजिस्ट्रार के समक्ष शादी कर लें। आप इधर उधर घूमकर अपना समय बर्बाद नहीं करें, नहीं तो हो सकता है कि आपके जान को खतरा हो या फिर आपको मारा जाए, पीटा जाए। तो आप जैसे ही घर छोड़े आप सीधे कोर्ट में जाकर मैरिज रजिस्ट्रार के समक्ष शादी कर लें। फिर अगर आप एक बार कोर्ट में शादी कर लेते हैं फिर आपको पुलिस भी नहीं परेशान कर सकती है। अगर कोर्ट में मैरिज करने के बाद आपको धमकाया जाता है, आपको जान से मारने की धमकी दी जाती है, तो फिर इस सिचुएशन में अगर आप कोर्ट में शादी किए रहेंगे तो फिर कोर्ट भी आपकी ज़रूर मदद करेगा। दोस्तों अगर आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं और आप हमारी मदद लेना चाहते हैं तो अभी जो आपको स्क्रीन पर ईमेल आईडी दिख रहा है आप उस पर मेल करके भी हमसे हेल्प ले सकते हैं, फिर हमारी टीम आपकी कोर्ट मैरिज कराने में मदद करेगी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो काम की है तो आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी यह वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिले।